आज मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता है और काफी ज्यादा बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, एक्यूरेसी काफी अच्छा है। सबसे पहले हम उसके लिए इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, ऐसे इंडिकेटर्स पे फिर हम लिखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर मूविंग एवरेज लिख दो, सिर्फ मूविंग एवरेज लिखोगे, क्लिक करोगे, ऐसे करके क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया मूविंग एवरेज, यहाँ पे आएगा सेटिंग पे जाके इसमें 20 कर देना। जैसे ये 20 करोगे यहाँ पे डन हो गया, 20 किया डन हो गया। अब ये आ गया। अब इसका काम क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 20 मूविंग एवरेज जो है वो डाउन ट्रेंड में है या कि नहीं, मतलब नीचे की ओर जा रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डाउन ट्रेंड एनालाइज करना है। अब जैसे अब देखेंगे कि ये 20 मूविंग एवरेज को कोई ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है, जैसे ब्रेक किया उसके बाद का कैंडल देखेंगे, कोई जैसे रेड कैंडल जो होगा उसके बाद का, या फिर 2 कैंडल के बाद उस ग्रीन कैंडल, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है उसके क्लोजिंग को ब्रेक करता है या नहीं करता। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। आप यहाँ पे टारगेट ये प्रीवियस स्विंग बना सकते हो। उसी तरह आप ये भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ये वाला ग्रीन उसको ब्रेक किया, रेड पे हम एंट्री ले लेंगे, अगेन यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, अगेन यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फॉलो जरूर करना, लाइक करना।